ओ, गुस्सा भारी है भाई, गुस्सा भारी है। तो दोस्तों आज है संडे एंड आज हम जा रहे हैं बहुत दिनों बाद संडे राइड पे, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। कुछ खाली खाली लग रहा है भाई। अच्छा पहाड़ों की रानी नहीं भाई, हम तो पहाड़ों के राजा होंगे यार। 6 बज रहे हैं, अच्छा खासा उजाला हो गया है एंड लेकिन ट्रैफिक है। ट्रैफिक क्यों है यार, संडे आज तो फिर भी। तो मित्रों बहुत दिनों बाद जा रहे हैं हम संडे राइड पे, आफ्टर मसूरी राइड। उसके बाद तो कुछ करा ही नहीं, थक के बैठ गए घर पे। हे दोस्त क्या हो गया, मौसम हो रहा है बहुत सही, ठंडा ठंडा है ना, हवा चले ठंडी ठंडी, यार काफी मजा आ रहा है भाई। बहुत मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है मॉर्निंग में राइड करके, तो कूल कूल कूल। लास्ट टाइम मैं निकला था, मैं दोपहर में निकल गया था उसके बाद तो भैया जो मजे आए बस चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। अलग ही फील है भाई, अभी बहुत सारी राइड करनी है। ये भी क्या राइड पे जा रहे हैं? नहीं यार ये क्लासिक हार्ले लग रही है, पीछे दो बाइक एक साथ खड़ी है, दूर से लग रही है हार्ले खड़ी है बड़ी वाली। अभी अभी तो ये नई बाइक ले ही थी, 1 साल ही हुआ है भाई। थोड़े दिनों बाद, थोड़े टाइम बाद इसको ऐसी मॉडिफाई कराएंगे ना, मतलब चीजें कराएंगे चेंज। भाई बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। भाई देखो मैंने बात ऐसी है, मैंने कल भी बाइक चलाई है, मैंने लास्ट टाइम भी चलाई थी, मुझे ये बैग वाली फीलिंग नहीं आई है। तुम्हें देख के मुझे फील हो रहा है कि पीछे बैग होना चाहिए मेरे, बैग वती इज मिसिंग। वैसे मुझे लगता है कि जब हम राइड पे निकलते हैं कोई नहीं निकलता, कोई भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। वो करवी करवी रोड, फुल मौज आ रही है भाई, फुल मौज आ रही है काफी दिनों बाद। और इंटरकॉम से कनेक्ट हो गया, जब बातें करते हो जा रहे हैं यार मजा आ गया। मतलब भाई 6:15 हो रहे हैं, 6:15 यहाँ 2 बजे के सोए बंदे उठ के आ गए और कोई बंदा तो सोए भी नहीं है यार मैं रेस लगा रहे हैं लेकिन हम हार जाएंगे आगे बहुत सारी बाइकें गई यार, अभी लाइट जलाते हुए जा रहे हैं भाई बिल्कुल। अरे भाई अरे थोड़ी धीरे धीरे। आई थिंक सो कि हम उस रास्ते से आगे जिस रास्ते से हमें नहीं आना था, बट अब तो आ गए, अब क्या कर सकते हैं भाई। आरी वालों ने जो बाइक बनाई है दिल खुश कर दिया यार। ओहो ऑफ रोडिंग। गुड़गांव के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार का मौसम हो रहा है, कहीं हो रही है ठंड कहीं हो रही है गर्मी, जाना पहचाना से लग रहा है ये सब। अबे लेपर ट्रेल आ गए बे भाई, तुम लेपर ट्रेल तो न ला रहे हो मार को। अरे ये ट्रक वाला मेरे आगे क्यों आ गया? अरे यार हम तो बताना ही भूल गए कि आज हम जा रहे हैं कहाँ पर। आज हम जा रहे हैं पंच गांव, वहाँ पे पंच मिलते हैं दे पंच। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं पंच गांव। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, मैं कभी गया नहीं, विशाल भाई भी नहीं गया, तो इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जब हम वहाँ जा रहे हैं। रास्ता तो देखो विशाल भाई क्या मस्त है भाई, लद्दाख आ गए पहाड़ों के बीच में, आगे ट्रक पीछे ट्रक। भाई इतनी पास नहीं चलो, साइड से ले लो, पीछे देख क्या भी है भाई बताओ, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे ये लिखना चाहिए कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ये लिख रहे जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, साले मौत बेच रहे थे रोड पे। वेलकम टू लद्दाख, लद्दाख में आपका स्वागत है। भीड़ ज्यादा है, वो बस्ती बस गई है यहाँ पे, अब बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा विकास यही हुआ है। लद्दाख बना गुड़गांव, भाई ये क्या पैरों से रोकोगे अपनी बाइक यार? ये ट्रक पे भी संडे राइड होने लगी है क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो बाइकें दिखती थी हमारे को यार, मस्त सी जगह लग रही है ये तो, है ना, मतलब मस्त सा रोड लग रहा है बिल्कुल। अरे आ गए यार भाई, पता ही नहीं चला रास्ते का, पंच गांव भी आ गए यार। डुगाटी मल्टी स्ट्राडा? अरे भाई वो तो बजट में अपनी फेवरेट बाइक यही है, डुकाटी मल्टी स्ट्राडा। भैया पंच गांव आ गए यार, बात करते करते पता ही नहीं चला बंद आ गए। ओ विशाल भाई आ गए, मजा आ गया भाई, मजा आ गया अभी घुमाते हैं थोड़ा सा। अरे वहाँ पे हाँ वहीं करते हो, कहाँ पे वहाँ पे कहाँ? ठीक है ब्रो, एक ऐसी जगह खड़ी करनी है जहाँ पे फोटो भी बढ़िया सी आ जाए, वहाँ चलते हैं बॉबर वॉबर के पास। आओ निकलो आगे निकालो। बीड़ी कौन पी रहा है यहाँ? देखो बंदों ने अलग ही लगाई है भाई, क्या है क्या बात है, बढ़िया लग रही है। पंच गांव में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। A few moments later. 2 बजे उठकर, नहीं 2 बजे सोकर, 4 बजे उठकर पराठे खाने आया, मम्मी कहीं घर पे नहीं बनते। ये देखो भाई चला जाए इसके अंदर शाम। थैंक यू भैया, थैंक यू।
भाई आ गए पंच गांव के अंदर और एनिमल्स बहुत प्यारा है, मतलब मजा आ गया। और ऐसा भी नहीं है बहुत छोटा ही, बहुत बड़ा है, डीलर लाइफ चल रही है। ये है यहाँ का कुछ मेन्यू, क्या मंगा रहा भाई? पनीर पराठा, मिक्स पराठा। यहाँ का बेस्ट क्या है सरपंच पराठा? खाओ, खा लो। सरपंच पराठा बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा, आपके लिए नहीं हो सकता। पनीर पराठा नहीं, ये भाई खा लेंगे। तुम्हारे लिए नहीं हो सकता भाई सरपंच पराठा। मैं कितना होता, कितना बड़ा होता सर? 22 इंच का। मेरा पेट 5 इंच का। पैक करवा के लेना पड़ेगा। छोड़ो भैया, 2 आलू प्याज के पराठे कर दो। और बंदे लाने पड़ेंगे हमें तो पराठा खाने के लिए। कितने बंदे चाहिए भाई? 5 से 6 बंदे। 6 बंदे चाहिए। और 2 चाय कर दो यार। बंदे कहाँ से लाएंगे? दिल में लग गई बात यार, तुम वो नहीं खा सकते रहे तो भाई बस की नहीं है। इन्होंने कहा है कि स्पेशल पराठा यहाँ का सरपंच पराठा, लेकिन मुँह पे कह दिया तुम नहीं खा पाओगे। बंदे बुलाने पड़ेंगे। चाय आ गई भाई, चाय आ गई। चाय चाय। अरे क्या फोटो आई है भाई, सेक्सी। ये कौन सा फोन है भाई? It's 12 ब्रो। मेरे पास भी तो वही है, मेरे फोन तो नहीं लेता ऐसी फोटो। मेरा लेटेस्ट है। ओ गुस्सा भारी है भाई, गुस्सा भारी है। तो भैया जी हमारी आ गई है चाय, गुस्से में हमारे ऊपर ही मत फेंक देना थाली। दिखाओ जादू दिखाओ। ये कैसा जादू है भाई? कहाँ यार, देखो ना। अच्छा वो क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी। तो भैया जी ये है हमारा खाना, आलू के पराठे नहीं है ये, आलू प्याज के पराठे, अचार देते हैं, ये पता नहीं क्या दिया इन्होंने, और ये हमारा रायता, ये हमारी चाय। अब एंजॉय करते हैं खाना और फिर बात करते हैं आपसे। भाई हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट, अब जा रहे हैं हम अपने घर। तो दोस्तों आज का सफ़र था यहीं तक, तो ये था पंचगांव, राइट। आई होप मज़ा आया हो। और यहाँ देखो यहाँ कितनी सारी ब्यूटी खड़ी है, यहाँ बाइकें हैं, यहाँ बाइकें हैं, वहाँ बाइकें हैं, हर जगह बाइक ही बाइक्स हैं। और भाई आई होप फ्यूचर में ये भी लेंगे कभी यार, मतलब अलग ही बवाल है यार। तो दोस्तों ये था संडे राइड का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड ये वीडियो यूज़फुल रहो। अगर ये वीडियो यूज़फुल रहो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।